एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। वह अपने छोटे से खेत में काम करता और बहुत ही खुश रहता था। पूरे गांव में किसान की ईमानदारी के बहुत ही चर्चे थे। उसका एक दोस्त था जो उस गांव के राजा के यहाँ सिपाही का काम करता था। वह किसान से उसके घर रोज मिलने जाता था। एक बार राजा ने अपने दरबार में एक ऐलान किया कि उसके बगीचे में काम करने वाला एक अच्छा सा कारीगर चाहिए, जो उसके बगीचे के पेड़ पौधों और फूलों का ध्यान रख सके। राजा का यह ऐलान सुनकर किसान के दोस्त सिपाही ने सोचा कि यही मौका है किसान से मित्रता निभाने की। मैं उसे यहाँ बगीचे में काम पर लगवा दूंगा और उसका वह मेरा साथ भी रहेगा और किसान का भला हो जाएगा। यह सोचकर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसे आदमी को लेकर आऊँगा जो यह काम अच्छे से कर लेगा। तभी राजा ने उस सिपाही को आदेश दिया कि जाओ उसे कल से ही बगीचे में काम करने के लिए कह दो। उसी वक्त वो सिपाही अपने दोस्त किसान के पास पहुंच गया और उसने किसान को बगीचे के काम की सारी बात बता दी और किसान ने भी काम करने के लिए खुशी खुशी हाँ कर दिया और अगले ही दिन अपने दोस्त के साथ राजमहल पहुंच गया। सिपाही उसे राजा के सामने लेकर गया और राजा ने उस किसान को बगीचे की पूरी देखभाल का काम सौंप दिया और कहा कि तुम अगर पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे तो तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं हर महीने दूंगा। किसान खुशी खुशी बगीचे में काम करने के लिए हाँ कर देता है और वह उसी वक्त से बगीचे में काम करने लगा। किसान बगीचे में बहुत दिल लगाकर काम करता था। कुछ दिन बीत गए, किसान ने बगीचे को बहुत सुंदर व हरा भरा बना दिया। राजा को उसका काम बहुत पसंद आया। एक दिन किसान बगीचे में कुछ खुदाई कर रहा था तो उसने जमीन के नीचे कुछ महसूस किया तो उसने और खुदाई की तो देखा वहाँ नीचे एक बड़ी सी संदूक थी। किसान ने वह संदूक बाहर निकाली और खोल कर देखी तो क्या देखा, वह सोने और चांदी से भरी हुई थी। यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ और अपनी ईमानदारी दिखाते हुए वह राजा के पास पहुँचा और राजा को सारी बात बता दी। राजा किसान की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ और उसके साथ वहां गया जहां किसान ने खजाना निकाला था। राजा ने देखा तो कहा, यह खजाना तो हमारे पुरखों का है, हम कई वर्षों से इसे ही खोज रहे थे। यह खजाना देखकर राजा बहुत ही खुश हो जाता है और अगले ही दिन राजा ने उस किसान को पूछा कि बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए। किसान बोला, मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। राजा उसकी इतनी अच्छी बात सुनकर और ज़्यादा खुश हो गया और उसने किसान को अपना मंत्री बनाने का फैसला किया और कहा, ये मेरा हुक्म है। तो किसान ने राजा की बात मान ली और राजा का मंत्री बन गया। तो दोस्तों, सबसे बड़ी ईमानदारी ही है जिससे एक गरीब इंसान किसान से राजा का मंत्री बन गया। तो दोस्तों, ये ईमानदारी की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।